हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट पेंट क्वांटिटी। तो हमारा न्यू वॉल 200 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है 1 गैलन में, और ओल्ड वॉल 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है 1 गैलन में, और हमारा 1 गैलन होता है 3.78 लीटर के बराबर। अगर हम इसे लीटर में देखें तो न्यू वॉल 1 स्क्वायर फीट में 0.0189 लीटर लगता है, और ओल्ड वॉल के लिए 1 स्क्वायर फीट में 0.0108 लीटर पेंट लगता है हमारा 1 स्क्वायर फीट के लिए। हम एग्जांपल लेते हैं, हमने अज्यूम कर लिया है हमें 200 स्क्वायर फीट एरिया में पेंट करना है, तो न्यू वॉल इक्वल टू 200 इंटू 0.0189 3.78 लीटर। 200 एरिया में पेंट करने के लिए 3.78 लीटर पेंट लगेगा, और ओल्ड वॉल के लिए ओल्ड वॉल इक्वल टू 200 इंटू 0.0108 हमारा 2.16 लीटर लगेगा पेंट ओल्ड वॉल में। दूसरे नियम से भी करके देखते हैं, न्यू वॉल इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल बाय थंब रूल। तो एरिया हमारा 200, थंब रूल हमारा कहता है कि 200 स्क्वायर फीट पर गैलन कवर करेगा, तो उससे डिवाइड करेंगे हम आ गया 1 गैलन। 1 गैलन को हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 3.78 से इंटू करेंगे, हमारा रहेगा 3.78 लीटर। अब ओल्ड वॉल इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल बाय थंब रूल, हमारा एरिया है 200 बाय थंब रूल कहता हमें 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा हमारा, तो सॉल्व करेंगे 0.57 गैलन आ गया। इसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमारा 2.16 लीटर आ गया। दोनों तरीके से हमारा आपने देखा होगा सेम एरिया के लिए सेम पेंट आया, तो आप दोनों में से किसी भी नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।